नमस्कार मिथिला, आप सभी का स्वागत है नमस्कार मिथिला न्यूज में। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। आज हम लोग आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस लेकर उपस्थित हैं। मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, हेडलाइंस प्रणव कुमार मिश्रा की तरफ से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं परीक्षा इंस्टीट्यूट दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट द सक्सेस मंथ क्लास 6 to 12 ICSE CBSE BSEB। इसमें तीन बैचेज हैं, फाउंडेशन बैच, टारगेट बैच, हायर बैच। फाउंडेशन बैच 6 to 8, टारगेट बैच 9 to 10, हायर बैच 11 to 12। फाउंडर सुजीत कुमार, 5 years इन बिहार एंड 1st year इन दिल्ली टीचिंग एक्सपीरियंस। कॉन्टेक्ट नंबर +917991 1339 04। दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट, यह खुलते ही दरभंगा का सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट बन गया। एड्रेस नियर हसन चौक दरभंगा। समुद्र में भटक कर पाकिस्तान पहुंचा बिहार के गायघाट का दिनेश, पिता ने लगाई गुहार। इन राज्यों से बिहार आने वाले यात्री ध्यान दे, आपको 72 घंटे पूर्व देनी होगी कोरोना जाँच की निगेटिव रिपोर्ट। बिहार पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, ईवीएम विवाद सुलझाने को 2 आयोग सहमत। जयपुर एयरपोर्ट पर 7 फ्लाइट कैंसिल, एयरलाइन यात्रियों को देगी रिफंड। गुस्सेल विराट आउट होने के बाद कोहली ने मचाई तोड़फोड़, मैच रेफरी ने लगाई फटकार। लॉकडाउन के बीच मुंबई से जाने चाहते हैं यूपी बिहार, इन ट्रेनों में मिली टिकट, जाने टाइमिंग। बिहार में बेखौफ बदमाशों की करतूत, थाने के समीप कुरियर कंपनी से 14 लाख लूटे, 5 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल में पहली रैली, ममता बनर्जी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कही ये बात। मतलब आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार मिथिला, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। बिहार में बेखौफ बदमाशों की करतूत, थाने के समीप कुरियर कंपनी से 14 लाख लूटे, 5 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। बेखौफ अपराधियों ने अहियापुर थाने के समीप स्थित एक कुरियर कंपनी के दफ्तर पर धावा बोला, 14 लाख रुपए लूट लिए। 4 बदमाश 2 बाइक पर आए थे, उनके हाथ में पिस्तौल थे। 3 कर्मियों के स्मार्टफोन व कुछ पार्सल भी लूट ले गए, सिर्फ 5 मिनट में वारदात को दिया अंजाम। घटना की भनक तक अहियापुर पुलिस को नहीं लगी। इस संबंध में कुरियर कंपनी के इंचार्ज पश्चिम बंगाल निवासी पुष्पेंद्र दत्ता ने 4 अज्ञात के खिलाफ अहियापुर थाने में FIR कराई है। लॉकडाउन के बीच मुंबई से जाना चाहते हैं यूपी बिहार, इन ट्रेनों में मिल रही टिकट, जाने टाइमिंग। महाराष्ट्र में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बुधवार रात 8 बजे से राज्य में कर्फ्यू लगा दिया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अगले 15 दिनों तक सार्वजनिक गतिविधियां पर पूरी तरह से रोक है। राज्य में लागू लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियों के बीच प्रवासी कामगार एक बार फिर पलायन के मजबूर हो गए हैं। राज्य के स्टेशन पर लगी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए रेलवे ने मध्य रेल द्वारा 230 समर स्पेशल ट्रेनों की घोषणा अब तक की गई है और आने वाले समय में अधिक ट्रेनें चलाई जाएंगी। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही कुछ मुख्य खबर लेते हुए, ऐसे ही कुछ मुख्य समाचार लेते हुए। साथ ही हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें, खबर विज्ञापन के लिए संपर्क करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। अगर आप Instagram पे देख रहे हो तो हमारे Instagram पेज को फॉलो करें। देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।